और लाइफ में मजे जो जिसको तुम समझते हो ना कि अभी मजे कर लिए, ये नहीं है मजे। मजे कब है? एक अच्छा कॉलेज का पीछे टैग है और फिर उसके बाद दिल खोल के चलेगा बंदा, बोले यार अच्छा कॉलेज है साला, अच्छी कॉलेज से मैं अच्छी जगह तो प्लेस हो ही जाऊंगा। तरफ से बिल्कुल 100% दो, ठीक है ना, एग्जाम में जो भी होगा देखा जाएगा यार, लेकिन हम लोग अपना 100% तो दें। यस, लेकिन ऐसा कोई रिग्रेट ना रह जाए। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कि ऐसा रिग्रेट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि यार काश अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो मैं और अच्छी कॉलेज में चला जाता। अगर ये रिग्रेट आपके मन में नहीं है तो आई कैन गारंटी यू ऑफ लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे हो। और बहुत, अगर मान लो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हुआ ना, तो आप लोग लाइफ में बहुत मेहनत करोगे, और मेहनत करना ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर आप मेहनती हो तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, भले ही आपको NIT नहीं मिला, भले ही आपको IIT नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आपको मेहनत की आदत है इसी वजह से आप लाइफ में कहीं ना कहीं जगह पर अच्छा अच्छा करोगे, है ना। तो उस चीज के लिए करो, रिग्रेट दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं थोड़ा और कर लेता, काश मैं थोड़ा और कर लेता तो और अच्छी जगह पहुंच जाता, है ना। ये रिग्रेट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो जितना भी आपके पास दम है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, एंड आई कैन गारंटी यू आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज है ना। इस देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है आप लोगों से भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनके पास हो सकता है फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं हो, हो सकता है उनको पता ना हो कि IIT क्या है, NIT क्या है, और अगर उनको ऐसी फैसिलिटी मिले तो हो सकता है बहुत अच्छा कर जाए, लेकिन उनके पास नहीं है सारा फैसिलिटी, है ना, आपके पास है ना। तो उसका फायदा उठाओ। आप बहुत खुश किस्मत बच्चों में से हो, बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी जगह पे हो आप, कि आपके पास हर एक चीज है, अच्छे टीचर हैं आपको पढ़ाने वाले, आपके पास अच्छा नॉलेज है ना, आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो इसका फायदा उठाओ यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, है ना। और लाइफ में मजे जो जिसको तुम समझते हो ना कि अभी मजे कर लिए, ये नहीं है मजे। मजे कब है? एक अच्छा कॉलेज का पीछे टैग है और फिर उसके बाद दिल खोल के चलेगा बंदा, बोले यार अच्छा कॉलेज है साला, अच्छी कॉलेज से मैं अच्छी जगह तो प्लेस हो ही जाऊंगा, फ्यूचर का मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और वहीं पर अगर मान लो ये 2 साल आपने बर्बाद कर दिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। फिर लाइफ में स्ट्रगल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं होता कि जिसका IIT में सिलेक्शन नहीं होता या फिर अच्छा NIT नहीं मिलता उसकी लाइफ कुछ बर्बाद हो जाती, नहीं ऐसा नहीं होता, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, और जिसको अच्छा कॉलेज मिलता है उसकी लाइफ आसान हो जाती है ना। तो उस चीज के लिए पढ़ो यार, एक टारगेट सेट करो कि यार मुझे यहां पहुंचना है, और उसके लिए जी जान लगा दो, बहुत जबरदस्त मेहनत करो, है ना। वो आप कर सकते हो, मुझे पता आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, कोई चीज आपकी हॉबी अच्छी लगती है, हो सकता है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन वो करो यार, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। वही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी, है ना। मैं अपनी बात करूं, मैं क्लास 11th और 12th में 2 साल क्रिकेट में अपने मैं स्टेट प्लेयर रहा, है ना, जो स्कूल स्कूल टूर्नामेंट होता है क्रिकेट में। लेकिन जब मैंने तैयारी करी तो मैंने 1 साल तक उस बैट और बॉल को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे बहुत प्यार था क्रिकेट से, लेकिन नहीं ना, उस समय आपका मोटिवेशन कुछ और होता है। 1 साल तक मैं बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, फिर मैंने दिल भर के जी जान से पूरा क्रिकेट खेला, जितना शौक था मैंने पूरा दम निकाला वहां, है ना। लेकिन ये चीज करनी पड़ती है। अगर मान लो वहीं पर मैं वो 2 साल या 1 साल उस क्रिकेट खेलने में बिता देता, तो हो सकता है मैं फिर उम्र भर ये सोचता रहता यार क्या करूं क्या नहीं करूं कहां करूं। तो हर एक चीज का टाइम है ना, उस टाइम का ध्यान रखो कब कौन सी चीज करनी है। और इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यार। तो उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े आप लोगों को मेरे हिसाब से करना चाहिए।